आज हम इंग्लिश का एक और मुहावरा सीखेंगे और मुहावरे को इंग्लिश में बोलते हैं idiom। तो आज का idiom है in black and white, in black and white। इसका आप अगर शब्द से शब्द का मीनिंग निकालेंगे तो ऐसा लग रहा है कि काला सफेद में ऐसा कुछ पता चल रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये मुहावरे हैं और मुहावरे लिखे कुछ और जाते हैं और उसका अर्थ कुछ और ही निकलता है। तो इस इन ब्लैक एंड वाइट मुहावरे का अर्थ है लिखित रूप में कोई भी समझौता, कोई भी आवेदन या और कोई भी एग्रीमेंट वगैरह अगर लिखित रूप में है तो उसके लिए हम इस मुहावरे का उपयोग करेंगे इन ब्लैक एंड वाइट का। आइए एक सेंटेंस देख लेते हैं। समझौता लिखित रूप में था, समझौता लिखित रूप में था। कोई समझौता किसी ने किया है एग्रीमेंट और वो लिखित रूप में अगर किया है तो हम कहेंगे कि समझौता लिखित रूप में था। The agreement was in black and white. The agreement was in black and white. तो यह आज हमने इस इन ब्लैक एंड वाइट मुहावरे को सीखा। इंग्लिश की इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।